हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th NCERT फ्लेमिंगो बुक चैप्टर नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस कंप्लीट चैप्टर को हम टू पोर्शन में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हाफ पोर्शन, सेकेंड वीडियो में सेकेंड हाफ पोर्शन। तो यहाँ पर विदाउट एनी डिले हम चैप्टर को शुरू करते हैं। पोइट्स का, जैसे कि आप देख रहे हैं, पोइट्स का मतलब है यहाँ पे कवि, एंड पैनकेक्स यहाँ पे एक मेकअप मटेरियल है, ब्रांड नेम है एक मेकअप मटेरियल का, ठीक है। तो इस अबाउट ऑथर देख लेते हैं। इस हमारी जो एग्जर्ट हम पढ़ रहे हैं, जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी के जो राइटर हैं वह अशोका मित्रा हैं और वह एक तमिल राइटर हैं। रिकाउंट्स हिज ईयर्स, ये अपने उन सालों का वर्णन कर रहे हैं एट जेमिनी स्टूडियो, जो इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में स्पेंड किए थे। इन इस बुक, अपनी पुस्तक में माई ईयर्स विद बोस विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस, तो जो इनकी पुस्तक है इसमें इन्होंने बात की है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब क्या प्रभाव रहा है, इफेक्ट रहा है उप मूवीज़ फिल्मों का ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर पहलुओं में इन इंडिया। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, तो जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में लोकेटेड है, एंड वास ये चेक लोकेटेड था, स्थित था, एंड वास सेट अप इन 1940। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो सबसे प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग जो संस्थान थे इनमें से एक था। इन अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, भारतीय फिल्म मेकिंग की जब शुरुआत थी उनके शुरुआती दिनों में, इट्स फाउंडर वाज SS वासन। तो एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो जेमिनी स्टूडियो था इसके फाउंडर कौन थे, तो SS वासन। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रा, तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं इनकी जो ड्यूटी थी इन जेमिनी स्टूडियो में यह क्या थी कि वाज टू कट आउट, ये क्लिपिंग निकालते न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, जो न्यूज़पेपर होता था उसमें से उनकी कटिंग को निकालते थे। ऑन ए वाइड वेराइटी, जो एक विस्तृत और विभिन्न ऑफ सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों से संबंधित होती थी, रिलेटेड होती थी, एंड स्टोर डेम, उनको सेव करते थे इन फाइल्स, एक फाइल्स में। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट, उनमें से कई सारी को उनको लिखना पड़ता था, उनको रिटन आउट करना पड़ता था बाय हैंड। ऑल्दो यद्यपि ही परफॉर्म एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, जो भी उनका काम था ना उसको अमहत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पोर्टेंट माना जाता था। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे, मतलब जानकारी रखते थे ऑफ ऑल द मेम्बर्स, सारे सदस्यों की ऑफ जेमिनी फैमिली, जो जेमिनी परिवार का, जेमिनी स्टूडियो का जो भी हिस्सा थे। द फॉलोइंग इज एन एग्जर्ट, यह जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यह जो चैप्टर, ये एक भाग है हिज बुक, उनकी पुस्तक का माई ईयर्स विद बोस, ठीक है। तो अब चैप्टर को हम शुरू करते हैं। पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम, पैनकेक क्या था, एक ब्रांड नेम था, किसका, एक मेकअप मटेरियल का। तो पैनकेक नेम एक ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का। तो डेट जेमिनी स्टूडियो बोट इन ट्रक लोड, जिसको जेमिनी स्टूडियो में ट्रक लोड में लाया जाता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इसको लेके आते थे। ग्रेटा गार्बो, अभी कुछ एक्ट्रेस के नेम दिए हुए हैं, जैसे ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, ग्रेटा गार्बो ने इसका निश्चित रूप से यूज़ किया होगा। मिस गोहर, वैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, वैजंती माला और मिस गोहर ने भी इसका यूज़ किया होगा। बट लेकिन जो रति अग्निहोत्री रही हैं एक्ट्रेस, मे नॉट हैव, हो सकता है इवन हियर्ड ऑफ इट, यहाँ तक कि उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, इवन मतलब यहाँ तक कि। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़, तो जेमिनी स्टूडियोज़ का जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, वाज इन द अप स्टेयर्स, मतलब ऊपरी मंजिल पे था, इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की, देट वॉज बिलीव, जिसको माना जाता था या विश्वास किया जाता था टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, ये रॉबर्ट क्लाइव्स का अस्तबल रही होगी, मतलब अस्तबल मतलब जहाँ पे हॉर्सेस को बांधा जाता है, रखा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ए डजन ऑफ अदर बिल्डिंग्स भी इन द सिटी, शहर में थी, आर सेट टू हैव बीन, उसको भी ऐसा कहा जाता था कि हिज रेजिडेंस, रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस रही होगी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ,
और जो रॉबर्ट लाइफ की जो छोटा सा जीवन था एंड इवन बिफोर यहाँ तक कि इससे भी जो छोटा था स्टे इन मद्रास, उनका मद्रास में स्टे रहा होगा या मद्रास में वो रुके होंगे, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन, ऐसा प्रतीत होता था कि रॉबर्ट क्लाइव ने टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग्स, अपनी जो लाइफ साइकिल में जीवन काल में कई सारी मूविंग किए, कई सारी जर्नी की। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त उन्होंने फाइटिंग किया, मतलब लड़ाई, फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल, कुछ असंभव लड़ाइयों को लड़ा है इन रिमोट कॉर्नर, रिमोट मतलब होता है सुदूर, फार डिस्टेंस, कॉर्नर मतलब पार्ट्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के, एंड मैरिंग उन्होंने शादी की थी ए मेडन, मेडन मतलब होता है अनमेरिड वुमेन, है ना, अविवाहित महिला से, इन सेंट मेरी चर्च, सेंट मेरी चर्च में, इन फोर्ट सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज किले में इन मद्रास। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने शादी की थी तो वो कहाँ पर की थी, तो सेंट मेरी चर्च से की थी, ठीक है। द मेकअप रूम, अब मेकअप रूम की बात करते हैं, जो मेकअप रूम था हेड द लुक ऑफ, उसका जो दृश्य था कैसा स्क्रीन था, जो ए हेयर कटिंग सैलून, वो एक हेयर कटिंग सैलून मतलब हेयर कटिंग पार्लर की तरह जहाँ पे हेयर ड्रेसिंग की जाती है, हेयर कटिंग की जाती है, विथ लाइट्स, जहाँ पे लाइट्स थी एट ऑल एंगल चारों तरफ, अराउंड हाफ ए डजन, और लगभग हाफ ए डजन लगभग आधा दर्जन वहाँ पे क्या थे, लार्ज मिरर्स थे, बड़े बड़े कांच लगे हुए थे, देवर ऑल इनकंडेंसेंट लाइट्स, और वहाँ पे जो लाइट्स थी ना वो ऑल इनकंडेंसेंट मतलब ऐसी लाइट जो बहुत ज़्यादा हीट को इमिट करती हो, येलो लाइट्स थी पीली रोशनी वाली जिससे बहुत ज़्यादा हीट इमिट होती थी, गर्मी जिससे लगती थी, सो यू कैन इमेजिन, तो आप कल्पना कर सकते हो कि द फेरी मिजरी, मतलब फेरी मतलब कितना रेड हॉट, और मिजरी मतलब डिसकंफर्ट ऑफ दोज उनको सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिनका मेकअप किया जाता था। आप आज कल्पना कर सकते हो कि जो भी एक्ट्रेस थे या जो भी पर्सन थे जिनका मेकअप वहाँ पे किया जाता था उनको कितना गर्म लगता होगा, कितना डिसकंफर्ट वहाँ पे फील होता होगा, है ना, बेचैनी होती थी। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई, जो मेकअप डिपार्टमेंट था तो उनके जो हेड जो इंचार्ज थे वो एक बंगाली थे, हु बिकेम टू बिग, जो बाद में इतने बड़े बन गए थे फॉर स्टूडियो कि एंड लेफ्ट की वो छोड़ कर चले गए। कहने का मतलब है कि उनको एफोर्ड कर पाना स्टूडियो के लिए बहुत मुश्किल था, मतलब जो इतना चार्ज करने लग गए थे, इतनी फीस की डिमांड करने लग गए थे कि स्टूडियो से फिर उनको छोड़ के जाना पड़ा। ही वॉज सक्सीडेड, उनको रिप्लेस किया बाय ए महाराष्ट्रियन, तो पहले एक बंगाली थे फिर एक महाराष्ट्रियन आ गए, हु वॉज असिस्टेड, जिनका असिस्टेंट मतलब सहायक थे कौन थे, ए धारवर कनिग्डा एन आंध्रा, आंध्रा के कोई पर्सन थे धारवर कनिग्डा, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन भी थे, एंड एंग्लो बर्मीज, और एक एंग्लो बर्मीज बर्मा के पर्सन भी थे, द यूजुअल लोकल, और सामान्यतः लोकल वहाँ के स्थानीय क्या थे, तमिल्स थे। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे महाराष्ट्रियन पर्सन भी है, बंगाली पर्सन भी है, आंध्रा के भी हैं और मद्रास के भी हैं, और एंग्लो बर्मीज बर्मा के भी हैं, और लोकल तमिल्स भी थे। तो ऑल दिस शो यह सब क्या दिखाता था कि देर वॉज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक गुड अमाउंट में नेशनल इंटीग्रेशन था, एक राष्ट्रीय अभिन्नता दिखती थी लॉन्ग बिफोर एयर मतलब ऑल इंडिया रेडियो के आने से पहले, एंड दूरदर्शन से पहले जिन्होंने बिगेन शुरू किया था ब्रॉडकास्टिंग करना मतलब प्रसारण करना, इनका प्रसारण करना प्रोग्राम्स कई सारे कार्यक्रम का ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अभिन्नता के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोग्राम था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया था एयर के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, जहाँ पे क्या होता था कि जो डिफरेंट पार्ट्स के पीपल थे उनको कनेक्टेड किया जाता था, एसोसिएट किया जाता था, इंट्रोड्यूस कराया जाता था डिफरेंट कल्चर से बाय द सॉन्ग्स, फोक टॉक्स, लोक कथाओं के माध्यम से, जिससे लोग क्या कर सके, दूसरे कल्चर के पर्सन को भी जान सके। तो आप एयर ऑल इंडिया रेडियो के आने से पहले आप देख सकते हो कि जो हमारा जेमिनी स्टूडियो, वहाँ पे एक महाराष्ट्रियन पर्सन भी है, वहाँ पे मद्रास पर्सन भी है, वहाँ पे बंगाली पर्सन भी है, आंध्रा पर्सन भी है। तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ नेशनल इंटीग्रेशन विल बी देयर, हाउ मच बाउंडिंग विल बी देयर, कितनी अच्छी बाउंडिंग वहाँ पे रही होगी। दिस गैंग एंड यह जो ग्रुप था किनका, नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, राष्ट्रीय अभिन्नता से जुड़े हुए मेकअप मैन का कुड टर्न, ये बदल सकते थे एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, किसी भी अच्छे खासे दिखने वाले व्यक्ति को इनटू ए हिडियस मतलब बहुत ही भयानक, क्रिम्सन मतलब गहरे रंग का, ह्यूड मतलब भद्दा, अगली मॉन्स्टर मतलब राक्षस, कोई किसी भयानक
गहरे रंग के भद्दे राक्षस में बदल सकते थे। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड, मतलब वही लार्ज अमाउंट में पैनकेक्स पहनकर, मतलब मेकअप मटेरियल का, क्रीम्स का यूज़ करके, एंड ए नंबर ऑफ और कई सारी अदर लोकली मेड मतलब स्थानीय तौर पर बनाए हुए पोशंस एंड लोशन। पोशन लोशन मतलब था मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, मेकअप मटेरियल है नो डाउट, और ये लिक्विड्स का मिक्सचर था, तो उससे यूज़ करके वो किसी भी एक अच्छे खासे दिखने वाले पर्सन को अगली बना देते थे। हीडियस भयानक, क्रिम्सन मतलब गहरे रंग का, ह्यूड मतलब भद्दा अगली, एंड मॉन्स्टर मतलब राक्षस। दोज वर द डेज, और यह उन दिनों की बात है जब मेनली इंडोर शूटिंग, आंतरिक शूटिंग होती थी, एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म, केवल 5% ऑफ फिल्म का शूट आउटडोर, बाहरी तौर बाहरी जगहों पे शूट, मतलब शूट किया जाता था उनका, है ना, शूटिंग होती थी। आई सपोज, मैंने सोचा कि द सेट्स एंड स्टूडियो, कि जो सेट्स है, ये जो प्लेटफॉर्म बने हुए, स्टेज बने हुए, एंड जो स्टूडियो है, स्टूडियो की जो लाइट्स है, नीडेड, इनकी आवश्यकता पड़ती है, ये रिक्वायर्ड होते हैं द गर्ल्स एंड बॉयज़, वहाँ के जो लड़के लड़कियों को, टू बी मेड टू लुक अगली, ताकि उनको अगली बनाया जा सके, इन ऑर्डर सो देट टू लुक प्रेजेंटेबल, वो प्रेजेंटेबल दिखें, अच्छे दिखें इन द मूवी। तो कहने का मतलब है, जो मेकअप इनका किया जाता था ना उनसे, ये नॉर्मल लाइफ में तो नॉर्मली आप देखोगे तो ये अजीब दिखेंगे, स्ट्रेंज पर्सन दिखेंगे, अगली दिखेंगे, लेकिन जो लाइट्स होती थी मूवीज़ की, वहाँ पे ये प्रेजेंटेबल दिखते थे। ए स्ट्रिक्ट हायरकी, अब हायरकी का मतलब होता है रैंकिंग ऑर्डर, जैसे सबसे पहले लीडर होता है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, फिर सीनियर मोस्ट पर्सन, फिर सीनियर, फिर जूनियर, फिर जूनियर मोस्ट, फिर बाद में स्पॉट बॉय हो गए, है ना, ऐसे। एंड मेंटेन, उसको मेंटेन करके यार मेंटेन किया जाता था, उसको फॉलो किया जाता था इन मेकअप डिपार्टमेंट में। अब देखो, कहने का मतलब है कि जो चीफ मेकअप मैन होता था, मतलब मुख्य मेकअप करने वाला पर्सन था, मेड, वो बनाता था द चीफ एक्टर्स, चीफ एक्टर्स मतलब मुख्य अभिनेताओं को, एंड एक्ट्रेस अभिनेत्री को अगली, मतलब बसूरत ही सीनियर असिस्टेंट, उनका जो बड़ी सहायक होता था द सेकंड, वो सेकंड हीरो को एंड हीरोइन को, द जूनियर असिस्टेंट, जो सबसे छोटा सहायक होता था वो मेन कॉमेडियन, मुख्य कॉमेडियन को, हास्य कलाकार को, एंड सो फोर्थ, और ऐसे ही चलता था। द प्लेयर्स, और वे लोग हु प्लेड द क्राउड, क्राउड मतलब जो भीड़, मतलब जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप सीन शूट करना हो या ग्रुप डांस हो गया, है ना, तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी किसके पास होती थी, ऑफिस बॉय। अब ऑफिस बॉय मतलब एक कह सकते एक मल्टीटास्किंग पर्सन होता है, जिसको कई सारे छोटे मोटे स्मॉल टास्क करवाए जाते हैं, तो ये डिपार्टमेंट में होता है फिल्मों में। इवन यहाँ तक कि द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना जेमिनी स्टूडियो का, हेड एंड ऑफिस, उसका खुद का एक पर्सनल ऑफिस बॉय था, तो पूरे जेमिनी स्टूडियो का एक अलग से ऑफिस बॉय और मेकअप डिपार्टमेंट का अलग से ऑफिस बॉय। ऑन द डेज वेन देयर वॉज ए क्राउड शूटिंग, उन दिनों में जब वहाँ पे क्राउड शूटिंग होती थी, भीड़ की शूटिंग होती थी, कोई ग्रुप स्क्रीन शो शूट होता था, यू कुड सी, तुम देख सकते थे कि हिम, उसको, कि वो मिक्सिंग करता था हिज पेंट, उसके वही मेकअप मटेरियल को, इन ए जायंट वेजल, जायंट वेजल मतलब बहुत ही बड़े बर्तन में, एंड स्लेपिंग इट, इसको स्लेप कर देता, मतलब थोप देता था, लगा देता था, पुटअप कर देता था ऑन द क्राउड प्लेयर्स, मतलब वही क्राउड भीड़ की शूटिंग वालों को। द आइडियाज़, यहाँ पे जो मेन आइडियाज़ था, जो विचार था, जो विज़न था, वाज टू क्लोज, यह था कि क्लोज कर देना, बंद कर देना एवरी पोर, हर छोटे छोटे स्मॉल होल्स को, छिद्र को, द सरफेस ऑफ द फेस, फेस की सतह से, इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, मेकअप को अप्लाई करने की, मेकअप को करने की, साज सज्जा करने की प्रक्रिया में। ही वॉज़न्ट एग्जैक्टली बॉय, वह एग्जैक्टली मतलब ऑफकोर्स वास्तव में एक बॉय नहीं था, एक लड़का नहीं था, ही वॉज इन अर्ली फोर्टीज़, वो अपने शुरुआती फोर्टीज़ में था, मतलब 30-40 ईयर्स के बीच का था, बीच का उसकी एज रही होगी, हैविंग एंटर्ड, और उसने एंट्री ली थी, मतलब स्टूडियो में आया था द ईयर से कई सालों पहले, इन द होप, इस आशा में कि बिकमिंग ए स्टार एक्टर, या तो एक स्टार एक्टर बन जाएगा, मुख्य अभिनेता, एक टॉप स्क्रीन राइटर, या एक उच्च स्तर का राइटर बन जाएगा, लेखक बन जाएगा, डायरेक्टर निर्देशक बन जाएगा, लिरिक्स राइटर मतलब सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखेगा, पंक्तियाँ लिखेगा, है ना, तो इस प्रकार के उसने इस आशा में ये फिल्म सिनेमा, जो सिनेमा वर्ल्ड में उसने एंट्री ली थी। ही वॉज ए बिट ऑफ पोएट, वो थोड़ा बहुत कवि भी था। इन दोज डेज आई वर्कड इन क्यूबिकल, अब क्यूबिकल का मतलब होता है स्मॉल रूम, एक स्मॉल रूम में मैं वर्क करता था, दो टू साइड्स ऑफ विच, जिसकी दो दीवार की दो साइड में फ्रेंच विंडोज़ लगी थी, मतलब फ्रेंच विंडोज़ वहाँ पे लगी हुई थी, मतलब ऐसी विंडो जो दो साइड से ओपन होती थी, ओपन बाय टू साइड्स। आई डिडेंट नो, मैं भी नहीं जानता था देट टाइम, उस समय, कि देवर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, उनको क्या कहा जाता है, फ्रेंच विंडो कहा जाता है। सीइंग मी और एट माई डेस्क, लोग मुझे देखकर, कैसे देखकर, एट माय डेस्क, मेरी डेस्क पर बैठा हुआ देखकर,
टेयरिंग अप, टेयरिंग मतलब वही कट करते हुए फाड़ते हुए न्यूज़पेपर्स में जो डिफरेंट न्यूज़ को डे इन दिन के शुरुआत में एंड डे आउट दिन के अंत में, मोस्ट पीपल थॉट, कई लोग सोचते थे कि आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मैं लगभग न के बराबर वर्क कर रहा हूँ। तो इट इज़ लाइकली डेट यह ऐसा था कि द बॉस जो वहाँ के मालिक थे, हेड थे, थॉट लाइकवाइज टू, वो भी ऐसा ही सोचते थे। सो हर कोई हु फेल्ट, जो ये महसूस करता था, फील करता था कि आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, मतलब वो कोई भी सोचता था कि इसको इस ये पर्सन है जो बिल्कुल फालतू वर्क कर रहा है ना, इसको कुछ काम देना दिया जाना चाहिए। तो वुड बार्ज, बार्ज मतलब होता है एंटर विदाउट परमिशन, तो इन टू माई क्यूबिकल, मेरे स्मॉल रूम में आ जाता था एंड डिलीवर करते थे, देते थे एन एक्सटेंडेड लेक्चर, एक बहुत ही विस्तृत भाषण। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो लड़का था मेकअप डिपार्टमेंट में, ओके, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, वह जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट में, हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया था कि आई शुड बी इनलाइटेड, कि वह मुझे इनलाइटेड, मतलब लेखक को इनलाइटेड किया जाना चाहिए, ज्ञान दिया जाना चाहिए, कि क्या ज्ञान दिया जाना चाहिए, कि ऑन हाउ कैसे ए ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, एक बहुत ही महान लिटरेरी मतलब साहित्यिक टैलेंट मतलब प्रतिभा, वाज बीइंग अलाउड, कि उसको कैसे गो वेस्ट होने दिया जा रहा है इन ए डिपार्टमेंट, एक ऐसे विभाग में फिट ओनली, जो बिल्कुल सही है फॉर बार्बर्स, वही हेयर कटिंग वालों के लिए एंड परवर्ट्स, मतलब फालतू लोगों के लिए, वेस्ट पीपल के लिए। कहने का मतलब है कि एक ऐसा वर्क जिसको बार्बर्स और परवर्ट्स को दिया जाना चाहिए, वो मुझसे करवाया जा रहा है, और इस प्रकार बाय दिस वे एक ग्रेट लिटरेरी टैलेंट इज़ गोइंग टू वेस्ट, वह वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सून आई वॉज प्रेइंग, और जब वो इस प्रकार की बातें वो करता, मेकअप डिपार्टमेंट का जो पर्सन था ऑफिस बॉय, तो जल्दी आई वॉज प्रेइंग, मैं प्रार्थना करने लग जाता फॉर क्राउड शूटिंग कब हो, ऑल द टाइम, पूरे समय होती रहे, नथिंग शॉर्ट, क्योंकि इससे कम कुछ भी नहीं था, इट कुड सेव मी, जो मुझे बचा सकता था फ्रॉम हिज इपिक्स, इपिक्स मतलब उसकी वही एक्सटेंडेड कहानियों से, ऐतिहासिक कहानियों से। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हाँ, तो ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब वही तनाव स्ट्रेस के, इंस्टेंसेस मतलब होता है क्षणों में, मोमेंट्स में, यू विल ऑलवेज फाइंड, आप उसको हमेशा पाओगे कि द एंगर, जो उसका एंगर होता था, उसका जो गुस्सा होता था, डायरेक्टेड वो इशारा करता था टुवर्ड्स ए सिंगल पर्सन, एक अकेले व्यक्ति की ओर, चाहे वो ओपनली और या फिर कोवर्टली, कोवर्टली मतलब हिडन रूप से, छिपे तरीके से, इनडायरेक्ट वे में, एंड दिस मैन, और ये व्यक्ति था द ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट का व्यक्ति था ना, वाज कन्विंस्ड, ऐसा मानता था कि ऑल इज वोज मतलब होता है सैडनेस, उसके दुखों का, इगोमिलिटी मतलब पब्लिक शेम, जो पब्लिकली उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, एंड नेग्लेक्ट मतलब जिसको अवॉइड किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, वर ड्यू टू, इसका कारण था कौन, नथिंग अदर कोथा मंगलम सुब्बू। तो कोथा मंगलम सुब्बू इज द मेन पर्सन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इज ऑल इज सैडनेस, पब्लिक शेमनेस एंड नेग्लेक्ट अवॉइडनेस, है ना। सुब्बू वाज द नंबर टू, अब सुब्बू के बारे में पढ़ते हैं, सुब्बू नंबर टू मतलब हायरार्की में नंबर टू रैंकिंग भी थे जेमिनी स्टूडियोज में, ही कुडंट हैव हेड। अब देखो सुब्बू जब जिस जमाने में, जिस टाइम पीरियड में, जब जेमिनी स्टूडियो ने ज्वाइन किया था, फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तो ही कुडंट हैव, वो नहीं रख सके थे, नहीं उनके पास नहीं था मोर इंक्रेजिंग ओपनिंग, और ज़्यादा प्रेरणादायी शुरुआत इन फिल्म्स में, देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हेड, जितनी हमारी इस ग्रोन अप मतलब बड़े हुए जो अर्ली 40s का पर्सन है मेकअप बॉय, इसके पास रही थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव, उन्होंने निश्चित रूप से, किसने, सुब्बू ने, मस्ट हैव हेड, उन्होंने सामना, हेड टू फेस उन्हें सामना करना पड़ा था मोर अनसर्टेन, और ज़्यादा अनिश्चित एंड डिफिकल्ट टाइम्स, कठिन समय का, फॉर वेन, क्योंकि जब ही बिगेन इस करियर, जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया, देयर वर नो फॉर्मली मतलब कुछ भी वहाँ पे, फॉर्मली मतलब सुदृढ़ रूप से, इस्टेब्लिश कहने का मतलब स्थापित
फिल्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और स्टूडियो कोई स्टूडियो वहाँ पे नहीं था। इवन यहाँ तक कि हम बात करें इन द मैटर ऑफ द एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की भी बात करें, शिक्षा की बात करें, स्पेशली विशेषतः फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें ना, तो शुभू जो थे वो नहीं रख सके थे एन एप्रिशिएबल एक प्रशंसनीय लीड ओवर, मतलब बढ़त अवर बॉय इस मेकअप बॉय से, बट बाय वर्च्यू ऑफ बींग, लेकिन अपने उस कैपेबिलिटी के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर, बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण में पैदा होने की एबिलिटी के कारण ए वर्चू जो वास्तव में उनके लिए एक वर्चू थी, एक वरदान थी, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर, मतलब उन्होंने एक्सपोज किया होगा, प्रदर्शन किया होगा टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, और ज़्यादा समृद्ध स्थितियों में एंड पीपल और लोगों के सामने। कहने का मतलब है यहाँ ब्राह्मण्स का मतलब एक कास्ट से नहीं है, उनकी जो क्वालिटीज़ थी ही हैव वेरी गुड क्वालिटीज़, सो दैट व्हेन ही एक्सपोज हिज क्वालिटी ही बिकम ए फेमस पर्सन। अब देखो उनकी एबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पे। ही हैड द एबिलिटी, उनकी क्षमता थी टू लुक चेयरफुल, वो हमेशा चेयरफुल दिखते थे, हैप्पी दिखते थे एट ऑल टाइम्स, पूरे समय में, इवन आफ्टर, यहाँ तक कि Having had a hand, अगर उनका वो हिस्सा रहे होंगे या फिर उन्होंने किसी फिल्म में काम किया हुआ, इन ए फ्लॉप फिल्म, वो क्या रही, फ्लॉप रही, मतलब नॉट पॉपुलर हुई, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, लॉस हुआ, उसमें भी उस डिफ़िकल्ट टाइम में भी वो चेयरफुल रहते थे, सैड नहीं रहते थे, हैप्पी रहते थे। ही ऑलवेज हैड वर्क फ्रॉम समबडी, वो हमेशा किसी ना किसी के लिए काम करते रहते थे कुछ भी, एंड ही कुड नेवर डू थिंग्स, वो कभी भी कोई काम नहीं करते थे ऑन हिज ओन, अपने खुद के लिए वो कभी भी कोई काम नहीं करते थे। बट ही सेंस ऑफ लॉयलिटी, उनकी जो वफादारी की जो समझ थी, मेड हिम, उसने उनको आइडेंटिफाई हिम से, उनकी खुद की पहचान बना दी थी विद हिज प्रिंसिपल, उनके सीनियर्स के सामने, वरिष्ठ लोगों के सामने कम्प्लीटली पूरी तरीके से, एंड टर्न हिज, उन्होंने बदल दिया था हिज इंटायर क्रिएटिविटी, उनकी जो सुबू की संपूर्ण क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को, टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, अपने सीनियर्स की, मतलब फिल्मों की सीनियर जो वरिष्ठ लोगों के एडवांटेज के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए। ही वॉज ए टेलर मेड, अब देखो टेलर मेड एक बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, टेलर मेड का मतलब होता है परफेक्ट पर्सन, एक पारंगत पर्सन थे फॉर फिल्म्स के। वॉज ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति हु कुड बी इंस्पायर्ड, जो हमेशा प्रेरित हो सकता था व्हेन कमांडेड, जब भी उसको कोई आदेश दिया जाता था। चूहे की लड़ाई हो जाती है टाइगर्स से, बाघिन से, अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड किल सर, चूहा टाइगर्स को मार देता है, बट टेक्स पिटी, लेकिन उसको दया आ जाती है ऑन द कप बच्चों के ऊपर, एंड टेंस देम लविंगली, और वह उनको स्नेह करने लगता है ना। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, हमारे राइटर नहीं जानते थे कि हाउ टू डू द सीन, इस सीन को कैसे फिल्माना है, कैसे इसकी शूटिंग होगी, द प्रोड्यूसर वुड से, लेकिन जो निर्माता थे वह कहेंगे, एंड सुबू वुड कम आउट, सुबू वापस आ जाएंगे या आ जाते थे विथ फोर वेज, चार तरीकों के साथ, ऑफ द रेट, जिसके अंदर रेट चूहा पावरिंग कर रहा था, उड़ेल रहा था, मतलब शो कर रहा था, गिविंग कर रहा था, अफेक्शन स्नेह को दे रहा था, और इट्स विक्टिम, अपने शिकार के विक्टिम ऑफ विक्टिम्स के, अपने शिकार के बच्चों को। गुड, अच्छा अब प्रोड्यूसर क्या कहते थे कि बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ इट्स इफेक्टिव इनफ, कि यह इफेक्टिव है या सफिशेंट, पर्याप्त रूप से इफेक्टिव है, सफिशेंट है। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कहेंगे शुभू से, एंड इन ए मिनट, एक ही मिनट में शुभू वुड कम आउट, शुभू वापस आ जाते थे विथ 14 मोर अल्टरनेटिव, 14 नए तरीकों के साथ, अल्टरनेट, दूसरे वेज के साथ। तो यू कैन इमेजिन हाउ क्रिएटिव वाज शुभू, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया था टेलर मेड, मतलब शुभू की जो क्रिएटिविटी थी फिल्मों के लेकर बहुत ज़्यादा थी। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी, जो फिल्म मेकिंग, मतलब फिल्में बनाना, मस्ट हैव बीन, निश्चित रूप से, वाज सो इजी, इतना आसान हो गया था विद ए मैन, एक व्यक्ति के साथ लाइक शुभू जैसे, अराउंड एंड इफ एवर, और हमेशा कभी, देर वाज ए मैन, वह एक व्यक्ति रहे हु गेव डायरेक्शन, जिसने दिशा दी थी एंड डेफिनेशन, परिभाषा दी थी टू जेमिनी स्टूडियोज़,
Gemini Studio Co during its golden years. Means when in the areas of filmmaking, Gemini Studio was in its peak time in golden era, it was Shubhu who worked a lot. Shubhu ने बहुत काम किया था और Shubhu के इन hard work के कारण ही Gemini Studio अपने golden years में पहुँचा था. कहने का मतलब Shubhu का उसमें योगदान बहुत ज़्यादा था. इट वॉज Shubhu, ये Shubhu ही था. Shubhu हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी. Shubhu की एक अलग से पहचान थी, विशेष पहचान थी, स्पेशल आइडेंटिटी थी एज ए पोइट, एक पोइट के रूप में. दो यद्यपि ही वॉज सर्टेनली, वह निश्चित रूप से कैपेबल, एबल थे, समर्थ थे, उनमें एबिलिटी थी ए मोर कॉम्प्लेक्स, और ज़्यादा जटिल एंड हायर फॉर्म्स, और उच्च स्तर की पोइट पोएम्स की को क्रिएट करने की. ही डेलिब्रेटली, वह जान कर चुनते थे, एड्रेस संबोधित करते थे हिज पोइट्री, अपनी कविताओं को टू द मासेस, लोगों को सुनाया जा सके. मतलब वो सिंपल पोएम्स को जनरेट करते थे ताकि पीपल को, लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके. हिज सक्सेस, उनकी जो सफलता थी इन फिल्म्स, फिल्म में जो उनको सफलता मिली थी, ओवरशैडोड, उसने ओवरशैडोड कर दिया था, कवर कर दिया था एंड डॉग छोटा बना दिया था हिट लिटरेरी अचीवमेंट, उनके साहित्यिक अचीवमेंट को. मीन्स Shubhu वॉज ए ग्रेट पोइट बट ही वॉज ऑल्सो टैलेंटेड इन फिल्म मेकिंग. सो हिज सक्सेस इन फिल्म ओवर शेडेड और कवर्ड और मेक स्मॉल हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स. और ऐसा सो हिज क्रिटिक्स फेल, उनके जो आलोचक हैं वो महसूस करते थे. ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल, उन्होंने कई सारी, ट्रूली मतलब बिल्कुल सत्य वाली, ओरिजिनल मतलब वास्तविक स्टोरी, कहानियों को, पोएम्स, कविताओं को इन फोल्क रिफ्रेन, फोल्क रिफ्रेन मतलब लोक कथाओं के रूप में, जिसमें लयबद्ध, जिसमें रिपीटिंग लाइंस होती हैं, डिक्शन मतलब इनका मंचन किया जा सके, जिन पे ड्रामा किया जा सके, ऐसी कविताओं को, कहानियों को उन्होंने क्रिएट किया. एंड आल्सो रोट, उन्होंने लिखा स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग मतलब है फेमस, बहुत ही फेमस, जिसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, फैला हुआ था एंड नोवल, एक नोवल लिखा था, एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था तिराना मोहनम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टी ईस्ट. और इसके साथ उन्होंने कई दर्जनों, वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा, डेफ्टी इज, डेफ्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आप, स्पष्ट, इज मतलब ओरिजिनल कैरेक्टर कह सकते हो आप पात्रों को, डेफ्टली मतलब होता है वाइसली तरीके से, इज मतलब उकेरना, जनरेट करना, कैरेक्टर्स मतलब पात्रों की उन्होंने रचना की थी. ही इज क्वाइट सक्सेसफुल, ही क्वाइट वह पूरी तरीके से सफल हुए थे रिक्रिएट करने में, रचना करने में, द मूड कह सकते हो, मूड मना स्थिति को दिखाने में एंड द मैनर तरीकों को दिखाने में ऑफ देवदासी, देवदासी मतलब दोज गर्ल्स हु लिव्ड इन टेंपल, जो मंदिर में रहती थी, ऑफ द अर्ली 20th century, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में देवदासीज के मैनर, उनके रहने के तरीकों को और मूड, उनके मन स्थिति को दिखाने में, उनके एक्सप्रेशन को दिखाने की, एक्सप्रेशन की बहुत ही अच्छी इन्होंने रचना की थी. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक बहुत ही शानदार एक्टर थे. कौन? Shubhu. ही नेवर एस्पायर्ड, उन्होंने कभी भी इच्छा नहीं की, महत्वाकांक्षा नहीं की टू द लीड रोल की, मुख्य किरदार की, बट वाट एवर, लेकिन जो भी सब्सिडरी, जो सेकेंडरी रोल उन्होंने किया था, ही प्लेड, जो भी उन्होंने किया इन एनी ऑफ द फिल्म, किसी भी फिल्म में ही परफॉर्म्ड, उन्होंने प्रदर्शन किया, जो भी उन्होंने एक्टिंग की, बेटर देन, वो ज़्यादा अच्छी थी द सपोज उस सो कॉल्ड मेन प्लेयर से, वहाँ के मुख्य किरदार से. ही हैड ए जीनियन लव, उनमें एक नेचुरल डिज़ायर थी, नेचुरल लव था, नेचुरल अफेक्शन था, वो एनीवन, हर किसी से ही केम अक्रॉस, जिनसे वह मिलते थे. हिज हाउस, उनका जो घर था, वाज ए परमानेंट, मतलब हमेशा रेजिडेंस, निवास स्थल बना हुआ था फॉर डजन्स, कई दर्जनों ऑफ नियर, उनके पड़ोस मतलब पास वाले एंड फार रिलेशन, दूर के रिश्तेदारों का एंड हिज एक्वेटेंसेस, उनके परिचितों का, जान पहचान के लोगों का. इट सीम्ड अगेन, और ये बहुत ही विपरीत लगता है कि Shubhu's नेचर, जो Shubhu का जो नेचर था टू बी इवन कॉन्शियस, वह भी जानते थे इस बात को, यहाँ तक कि वह भी अवेयर थे, कॉन्शियस वह भी जानते थे कि ही वॉज फीडिंग, वह पालन पोषण कर रहे हैं, लुकिंग आफ्टर कर रहे हैं एंड सपोर्टिंग साथ दे रहे हैं सो मेनी ऑफ देम, कई सारे लोगों का, जो वहाँ Gemini Studio के कई सारे लोगों का वह साथ दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे. सच ए चैरिटेबल, वो इतने दानवीर व्यक्ति थे और इम्प्रोविडेंट मतलब सेल्फलेसनेस, मतलब जो निस्वार्थ व्यक्ति होता है, ऐसे पर्सन थे. येट फिर भी, येट मतलब
फिर भी ही हैड एनिमीज, उनके शत्रु थे, उनके एनिमीज थे, शत्रु थे, मतलब पीपल हु फेल्ट जेलेसी फ्रॉम हिम, उनसे. वाज इट बिकॉज, क्या इसका कारण था कि ही सीम्ड, वो बहुत ही ज़्यादा प्रतीत होते थे सो क्लोज, इतने करीब नज़दीक एंड इंटीमेट, घुले मिले हुए थे वो, जुड़े हुए थे विद द बॉस, बॉस के साथ. और वाज इट हिज जनरल डिमेन्योर, और क्या इसका कारण था कि हिज जनरल, जनरल सामान्य, डिमेन्योर मतलब होता है एटीट्यूड, उनका जो सामान्य एटीट्यूड था, डेट रिसेम्बल, जो किसके समान था, ए साइकोफेंट, एक इम्पोर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के समान. और हिज रेडीनेस, जो हमेशा वह तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे टू से नाइस थिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ों को कहने के लिए, अबाउट एवरीथिंग, हर किसी, हर वस्तु के लिए. इन एनी केस, हर अवस्था में, हर कंडीशन में, देयर वॉज ए मैन, वहाँ पे एक व्यक्ति था इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में, हु वुड विश, जो हमेशा इच्छा करता था द डी रेस्ट थिंग्स फॉर शुब्बू, शुब्बू के लिए डी रेस्ट मतलब टेरिबल थिंग्स, भला बुरा सोचता रहता था. वो कौन था? ऑफिस बॉय था. ओके, यूसा, आप देखते, आपने देखा, शुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, शुब्बू हमेशा बॉस के साथ रहता था. बट इन अटेंडेंट रोल्स, अटेंडेंट मतलब उनकी जो प्रेजेंट होती थी, ही वॉज ग्रुप्ड, वह जुड़े हुए थे, समूह में थे, अंडर ए डिपार्टमेंट, एक विभाग के, कॉल्ड, जिसको कहा जाता था स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसको स्टोरी डिपार्टमेंट कहा जाता था. कंप्राइजिंग जो बना हुआ था, ए लॉयर, एक वकील जिसमें था, एंड एन असेंबली, एक कतार लगी हुई थी ऑफ राइटर्स और पोइट्स, लेखकों की और कवियों की. द लॉयर, वो वकील था, वॉज आल्सो ऑफिशियली नेन, उसको औपचारिक रूप से जाना जाता था एज द लीगल एडवाइज़र, एक कानूनी सलाहकार. बट एवरीबडी, लेकिन हर कोई रेफर्ड हिम, उसको मानता था एज द अपोजिशन, इसके विपरीत. अब इसका रीज़न सुनिए, इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत ही प्रतिभाशाली एक्ट्रेस, जो एक अभिनेत्री थी, हु वॉज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परामेंटल, मतलब बहुत शांत स्वभाव की, पीस नेचर की थी. वंस ब्लूअर, एक बार अपसेट हो गई ऑन द सेट्स, वहाँ पे सेट्स के ऊपर, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टेज के ऊपर, वाइल एवरीवन, जबकि हर कोई स्टूड खड़ा हुआ था, स्टर्न मतलब बिल्कुल चुपचाप, साइलेंट खड़ा हुआ था. द लॉयर क्वाइटली, उस वकील ने चुपचाप, बिना, विदाउट नोइंग एनीवन, बिना किसी के जाने, स्विच ऑन चालू कर दिया द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को, रिकॉर्डिंग उपकरण को. व्हेन द एक्ट्रेस, जब वो एक्ट्रेस पुश्ड, रुकी फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए, द लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने उनसे कहा, वन मिनट, एक मिनट प्लीज़ कृपया, एंड प्लेड बैक, और दोबारा चला दिया द रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग को. देर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, इनक्रिमिनेटिंग मतलब आरोप लगाया गया हो, या अनमेंशबल, या बिना किसी नाम लिए फाउल, भला बुरा कहा हो गया हो, अबाउट द एक्टर्स टिराड, उस एक्ट्रेस की हार्श स्पीच में, टिराड मतलब होता है हार्श स्पीच में, अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, जो भी स्पीच उस एक्ट्रेस ने दी थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब इनक्रिमिनेटिंग मतलब कोई आरोप प्रत्यारोप करना, अनमेंशबली, बिना मेंशन किए फाउल, भला बुरा कहना. बट लेकिन व्हेन शी हियर्ड हर वॉइस, जब उसने अपनी आवाज़ को सुना अगेन, दोबारा, थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस ध्वनि यंत्र से, शी वॉज स्ट्रक डम, वह सदमे में आ गई, शॉक्ड हो गई. क्योंकि अब इसका रीज़न भी है, एक गर्ल, वह एक लड़की थी, फ्रॉम द कंट्री साइड, विलेज बैकग्राउंड से थी, शी हैडंट गॉन टू, वन नहीं गुजर चुकी थी ऑल द स्टेजेस, सारे स्तरों से, ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, सांसारिक अनुभवों के, मीन्स वह जो, एंड डेट जनरली प्रिटी, जो सामान्यतः गुजरते थे, फॉलो होते थे ए पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता की स्थिति से, एक एंड सोफिस्टिकेशन, शालीनता से, डेट शी हैड फाउंड, जिसमें उसने पाया था हर सेल्फ खुद को कैटापुलटेड इनटू, खुद को घिरा हुआ. कहने का मतलब है, वह एक विलेज बैकग्राउंड से थी, और जो सिटीज में जिस मैनर से, जिस सोफिस्टिकेशन तरीके से, जिस मॉरल तरीके से रहते थे, मैनर से, शायद उसमें वह अवेयर नहीं थी. और एक बार वो अपसेट हो जाती है, और ब्लू ओवर, वह कुछ हार्श स्पीच बोल देती है, लेकिन जब वह अपनी आवाज़ को रिपीट करती है, सॉरी, अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा हियर करती है, अगेन हियर करती है, व्हेन ही हियर्ड हिज रिकॉर्डिंग अगेन, शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड, वह कभी भी पूरी तरीके से उभर नहीं पाई फ्रॉम द टेरर, उस डर से, शी फेल्ट इट, जो उसने उस दिन महसूस किया.
देट वॉज द एंड, यह अंत था ऑफ ए ब्रीफ, एक बहुत ही छोटे शॉर्ट टाइम के ब्रिलियंट एक एक्सीलेंट एक्टिंग करियर का। द लीगल एडवाइज़र, और वह कानूनी सलाहकार, हु वॉज आल्सो ए मेम्बर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का एक मेम्बर था, हेड अनविटिंगली, जिसने बिना जान बूझ कर बिना जाने ब्रॉट अबाउट डेट सेंट एंड, वह इस बुरे अंत को लेकर आए थे। वाइल जबकि एवरी अदर मेम्बर ऑफ द डिपार्टमेंट, हर दूसरा व्यक्ति ऑफ डिपार्टमेंट विभाग का वो पहनता था एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक प्रकार की यूनिफॉर्म को, पोशाक को, खादी धोती विद ए स्लाइटली ओवरसाइज, जो स्लाइटली मतलब थोड़ी मात्रा में ओवरसाइज थी, बिग साइज की थी, क्लम्सली टेलर, क्लम्सली मतलब बिना, मतलब केयरलेसली टेलर सिले हुए वाइट खादी शर्ट पहनते थे। द लीगल एडवाइज़र, वह जो लीगल एडवाइज़र था वो पहनता था पेंट और टाई को, एंड सम टाइम एक कोट, कभी कभी एक कोट पहनता था, देट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो एक कोट ऑफ मेल मतलब स्ट्रेंज, अजीब दिखता था, अजीब कोट पहनता था, वोर करता, एंड ऑफन ही लुक्ड अलोन, प्राय वह अकेला दिखता था, हेल्पलेस, बिना सहायता, मतलब नोबडी लाइक्ड हिम, ए मैन ऑफ कोल्ड स्टेज मतलब एक ऐसा पर्सन हु डिडंट रेस्पेक्ट एनी इमोशंस, ही डिडंट रेस्पेक्ट एनी इमोशन एंड अंडरस्टैंड एनी वन फीलिंग, जो किसी की भावनाओं को और किसी की फीलिंग को नहीं समझता हो, वाइल्ड टॉकिंग, बात करने में, इन ए क्राउड, एक भीड़ में, ऑफ ड्रीमर, सपने देखने वालों की भीड़ में, एंड न्यूट्रल मन में, एक उदासीन व्यक्ति था, इन एन असेंबली ऑफ गांधीज, एक ग्रुप में, गांधीज एंड खादीज, गांधी जी की विचारधारों के और खादीज को पहनने वाले, लाइक सो मैनी ऑफ दिस, और कईयों की तरह, हु वर क्लोज टू द बॉस, जो बॉस के नज़दीक थे, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस, उसको भी अलाउ किया गया प्रोड्यूस, निर्माण करने में एक फिल्म का, दो यद्यपि ए लोट ऑफ रॉ स्टॉक, कई सारा रॉ स्टॉक, मतलब कई लार्ज अमाउंट में पेनकेक्स का यूज़ किया गया, मेकअप मटेरियल का यूज़ किया गया, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, फिल्म से ज़्यादा नहीं आया, मतलब फिल्म क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। देन वन डे, तब एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो हेड थे वहाँ के, उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया, एंड दिस वॉज परहैप्स, शायद यह दिन था, द ओनली इंस्टेंस, वह केवल एक क्षण था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मानव इतिहास में, वह जहाँ पर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, अपनी जॉब को लॉयर ने खोया था, बिकॉज क्योंकि द पोइट्स वर आस्क्ड, क्योंकि कवियों को कह दिया गया था टू गो होम, घर जाने के लिए, कहने का मतलब है कि व्हेन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द जेमिनी स्टूडियो डिसाइडेड टू क्लोज डाउन, टू शट डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एंड द लॉयर वॉज अटैच्ड विद दिस डिपार्टमेंट, सो ही आल्सो लॉस्ट हिज जॉब। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड इन रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कवर इन सेकेंड वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।